हेलो दोस्तों, सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ अपने शहर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो आज से 2 दिन पहले मैं गया था और टिकट करवाया था। 2 दिन नहीं यार, कल भी गया था तो टिकट करवाया था मेरा, तत्काल में इमरजेंसी टिकट था। लेकिन जिससे मिलना था मुझे जा रहा था, नहीं हो पाया, तो उसका जा रहा हूँ आज। देखते हैं, एक नया एक्सपीरियंस। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा हूँ कि ऐसा हुआ होगा किसी के साथ में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँ और उस टिकट को मैं उसका डेट चेंज करवा के देखूँ अगर होगा कि नहीं। वैसे तत्काल का तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं लगता है, लेकिन मेरे को शायद 50% चांस है उन लोग कर सकते हैं। तो आज जाकर देखते हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, नया एक्सपीरियंस रहेगा। आप लोग इसको लास्ट तक देखिए और हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक नया ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी आवाज़ तो आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन हम चल पड़े हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये हम हैं नया बड़ा के रेलवे स्टेशन के रोड पर, और यहाँ से स्टेशन लगभग 3 किलोमीटर है। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज, कल यहाँ पर बस स्टैंड था और आज इधर हो गया है। कल यहाँ पर सर्वे हो रहा था जिस पर तोड़ने की बातें हो रही थी, लेकिन एक ही दिन में इस तरह से टूट जाना काफ़ी हैरान करने वाला है। यहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले भी हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी और कुछ एक वो जो बिल्डिंग देख रहे हो वो काफ़ी अच्छा होटल था और बड़ा नाम करता था वो होटल, तो वो भी टूट चुका है। और यहाँ पर काफ़ी देख रहे हो आप, पुलिस वाले भी आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमें रुकने भी नहीं दे रहे हैं, काफ़ी लोगों को जमा नहीं होने दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो नयापड़ा डिस्ट्रिक्ट का बस स्टॉप है, जो कि बहुत छोटा था, शायद इसलिए जगह के टूट दिया गया है। और शायद ये अंडर गवर्नमेंट आता है सारा जगह, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। कल तक यहाँ पर बहुत कुछ मौजूद था और आज कुछ नहीं है। ये ना ऐसा स्टेशन है कि यहाँ पे आपको लाइट्स की जहाँ ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा प्रॉब्लम था। हालांकि अभी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लाइट का बंदोबस्त कर दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेन भी जो है वो इलेक्ट्रिक वाली चलती हैं, पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ पहले हम लोग आते थे तो रेलवे स्टेशन का जो लाइट है वो अप डाउन होते रहता था, कम से कम 1 घंटा 2 घंटे के लिए चला जाता था, तो पैसेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होना पड़ता था। चलिए चलते हैं स्टेशन के काउंटर पर, टिकट काउंटर पर, और हम उनसे बात करते हैं कि हमारा जो तत्काल टिकट है उसका क्या डेट बढ़ पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि स्टेशन का जो हाल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि ये इससे भी बुरा हुआ करता था। अभी इसको कंस्ट्रक्शन का काम का चल रहा है, अभी स्टेशन को नया करने की कोशिश जारी है। आप देख रहे हो यहाँ पर काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छे से। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर स्टेशन जो है बन रहा है, इस काउंटर जो है बहुत पुराना है और इसके अगल बगल जो भी है कंस्ट्रक्शन का काम, यानी कि उसका फ्लोरिंग जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा ऊँचा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर कैसे लोग झुक झुक कर टिकट अपना बनवा रहे हैं। अभी हमारा भी नंबर आएगा, हम जाएंगे और उनसे बात करेंगे, अपना प्रॉब्लम को हम बताएंगे।
दोस्तों ऑलरेडी तत्काल का टाइमिंग है, तो सब तत्काल टिकट के लिए काउंटर पर भीड़ लगाए बैठे हैं। मेरा को नंबर नहीं मिल रहा है मेरा आने का, तो वेट करते हैं जब इनका टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपने को सिर्फ सीट डेट ही बढ़वाना है। ओके, मिलते हैं। दोस्तों जहाँ पर हम पहले कभी अपना हाथ रखकर खड़े हुआ करते थे, वहाँ पर आप देख सकते हो लोग बैठे हुए हैं। अमेजिंग है। नंबर लगा लो काउंटर पे, स्लिप दी गई क्या नंबर थे सकाल और खेत के लिए सकाल होता सकाल सकाल होता छोटकर गोलू और सकाल बाद फिर नंबर लगा। ये एक ही पैसेंजर कम से कम 25 मिनट से यहाँ पे खड़ा हुआ है। जी सर, नंबर रिटर्न और जाने का तो तत्काल करा लिया हूँ, मेरा भी वही टिकट सेम है। दोस्तों जैसा कि मुझे उम्मीद था कि ऐसा होता नहीं है, वो काउंटर में जो बैठे हुए हैं उन्होंने ऐसा ही कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर ये पहले से टिकट बुक किया होता यानी कि तत्काल ना होता तो उसको हम शायद कैंसिल कर देते या फिर उसका डेट भी एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप इसको कमेंट करिए और अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए आप सेफ रहिए, अच्छे से रहिए।